ये दो मोडर्ना के बच्चे निकले हुए हैं। यहाँ पे तो बच्चा निकला हुआ है, मेंढा समझ रहा था। अब ये अपने आप ऊपर अपने उसमें जाएगी। मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं था बिल्कुल कि बच्चा निकला हुआ है। अब मेरा ये इवनिंग का रूटीन है। मैं अपना जो भी व्लॉग्स आपने इससे पिछले देखे होंगे, सुबह बकरों का था, फिर कुत्तों का था, और अब जो है मैं कबूतरों में आया हूँ। तो मैंने अपने तीन चार जो उड़ान वाले हैं कबूतर, उन्हें निकाला भी है, वो उड़ रहे हैं। बाकी जो मेन मेरे पास एक्चुअली फैंसी पिजन्स हैं, जितने भी हैं, आपका लखा है, मैकपाई है, और चाइनीज़ आउल हैं, मुखी हैं, बसरे हैं, और मेरे पास आपका लखा की काफ़ी वेरिएशन है। मेरे पास ब्राउन भी है, ब्लैक भी है, वाइट भी हैं, सिल्वर भी हैं, एंड मेरे पास मोडर्ना है। सो काफ़ी मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं। तो अब तो खैर काफ़ी कम हो गए, मैंने शौक़ कम कर दिया कबूतरों का, बट जो भी हैं मैं वो अब आपको दिखाता हूँ। बाकी अभी मेरा कबूतर यहाँ से पटपट आता हुआ गया है छत के ऊपर से। सो अब मैं कबूतरों को खोलता हूँ एक एक करके। ये इनका पानी का बर्तन और दाने का है, ये खुल ऑलरेडी रखा हुआ है। सो बस ये मैकपाई है, ये वाला जो हाँप रहा है अभी उड़ के आया है, वो काला लखा है। अब जैसे जैसे उड़ान का सीज़न शुरू हो रहा है, मैंने भी कबूतर अपने तीन चार खोलने शुरू करे हैं। ज़्यादा तो नहीं है, एक वो उड़ रहा है मेरा मद्रासी पट्टा है, ये पानी पी रहे हैं, जिसको जितनी प्यास है, जिसे खाना खाना है वो खाना खाएगा। ये उड़ के आया अभी, मेरा मेन मतलब मैं ऐसे कबूतर उड़ाता नहीं हूँ, ऐसे जो उड़ान बाजियाँ वो सब मेरे को बस शौक है, और मैं फैंसी ही पालता हूँ ज़्यादातर। और जो उड़ान में है वो बहुत टॉप नस्ल के, मतलब बिल्कुल जो पुराने हमारे काबिली नस्लें थी, जैसे ये बेनज़ीर है, ये वाला जो है, ये वाला, ये तो खैर बसरा है, ये बेनज़ीर मकोया है, मतलब ताकी में है। ये वाली आँख इसकी सफ़ेद है, और एक सहारनपुरी निलदुमा है मेरे पास बहुत अच्छा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, इसकी आप आँख चेक करें, ये सहारनपुरी निलदुमा है, पंजे चेक करें। ये रहा, कुछ भी जरा सी भी होती है तो तड़क जाते हैं कबूतर। एक सामने किसी का कबूतर आके बैठा है, देख रहा है इधर ही, अब पता नहीं किसका है, कोशिश करते हैं अगर आता है तो। कोशिश करते हैं उसको बुलाने की। यहाँ से उसको दिखेगा वो जो टॉप पे बैठा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो वो बैठा हुआ। ये मैंने इधर दाना डाल दिया है, ये भी मेरा ही पट्टा उड़ रहा है, ये काबली है, घर के चक्कर ले रहा है। ये रहा, बहरहाल वहाँ पे एक और भी कबूतर आके बैठा है अभी, अभी किसी और का, जबकि ये छत पे कबूतर नहीं पले हुए किसी के भी, या तो ये किसी ने नए पट्टे उड़ाए हैं वो बैठ गए हैं। ये एक काला बैठा हुआ है, एक ये बाजराई टाइप में है। ये
ये हमारा पट्ठा घर से लगा लगा उड़ रहा है। सो ये मेरे कबूतर हैं, पहले मैंने थोड़ा सा ही ओवरव्यू दिया था, अब मैं जो मेरे लखा के सेट पेयर्स हैं, जो ब्रीडिंग पेयर्स हैं, वो दिखाता हूँ आपको। एक ही मेरा बेस्ट ब्रीडिंग मेल है, ब्लैक, ये इसकी आप चेक करिए, सर से दुम लगी हुई है। इसकी फीमेल ये है, ये वाली। एक पे एक मेरा मेल ये है, ब्रीडिंग मेल, ब्राउन एंड वाइट, जैसे हम चॉकलेटी भी कलर बोल देते हैं। इसके साथ जो फीमेल लगी हुई है वो ये वाली लगी हुई है, इसकी ग्रेइश एंड रेड गर्दन है। ये एक पेयर है, इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, ये भी इसका रिजल्ट है। एक मेरा पेयर ये है, ये ट्राई कलर में है मेल, मतलब वाइट रेड एंड ब्लैकिश शेड है इस पर। इसके साथ ये वाली फीमेल लगी हुई है, डार्क डार्क ब्राउन गर्दन वाली। एक मेरा मेल ये है, चॉकलेट चिप कलर भी कह सकते हैं, ऑलमंड भी कह सकते हैं। इसका रिजल्ट ये निकला हुआ है पीछे, जो ये वाला जो है प्रिंटेड सा, बिल्कुल छापदार जिसे कहते हैं हम। तो इस मेल के साथ जो फीमेल लगी हुई है वो मुझे सबसे खूबसूरत लगती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो अंदर होगी, ये दो मोडेना के बच्चे निकले हुए हैं। ये रही वो फीमेल, मैं बाहर दिखाता हूँ, यहाँ पे फ्लैश अभी ऑन नहीं होगा। ये सिल्वर बैक में फीमेल है, सिल्वर टेल। ये देखिए, ये माशाल्लाह, ये है फीमेल, ये इस मेल से लगी हुई है, इसने अंडे भी दिए हुए हैं। सो गाइज, मैं व्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ फिलहाल। कबूतरों का ये रूटीन है, अब ये खाएंगे, बंद हो जाएंगे। जिस जिसको पेयर में मैंने खाने दे रखे हैं, उसमें ब्लैक पेयर जाएगा, उसमें ब्राउन, ऊपर ग्रे। अभी फ़िलहाल इन्हीं को दे रखा है, बरसातों की वजह से बंद कर रखा था। तो बस ये रूटीन है, ये तो कबूतर तो एक ही टाइम खोलता हूँ मैं शाम को, और दाना पानी इनका अंदर रख देते हैं, कभी कभी बाहर रहता है, क्योंकि कबूतर एक ही टाइम खाना प्रेफर करते हैं। बस ये रूटीन है, और फिर इन्हें सुबह के टाइम, जब सर्दियों में, हाँ, हम आके बासी रोटी घी में मिला के धूप के टाइम खोल के खिलाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो वैसे तो मैंने व्लॉग एंड कर दिया था, बट मैंने सोचा कि ये एंडिंग पार्ट बस यही होता है कि जैसे ऐसे कबूतर अपना खाना खा के आते रहते हैं, पानी पी के अपने दड़बों में जाते हैं वापस। सो मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा ये भी शूट ही कर लेता हूँ। बड़ा सेटिस्फाइंग होता है जब अपने आप जानवर को पालो और वो खाए पिए और हेल्दी रहे, तो बहुत खुशी होती है देख के। जैसे जिसने खाना खा लिया, अभी अपना पानी पी के नहा रहे। अब आप इसको अगर देखेंगे, साउंड पिजन है, इसकी आवाज़ सुने, ये मैकपाई जा रहा है पीछे। ये एक कबूतर अभी तक उड़ रहा था, अब वापस आ रहा है। इसकी आवाज अगर आप सुन पा रहे हो, कितनी अलग आवाज है इसकी। ये एक सेंटिनेट का पेयर है, ब्लॉन्डिनेट बेसिकली, नॉट सेंटिनेट। ये आउल का बच्चा है, चाइनीज आउल का, बहुत अच्छा कलर है। ये फीमेल है, ये ब्लैक वाला जो मैंने आपको दिखाया था मेन, जो मेरा मेल है ब्रीडिंग का, उसकी बच्ची है ये, एंड बिल्कुल अपने बाप से भी अच्छी है। कलर वाइज, पोस्चर वाइज, पूंछ का घेरा बिल्कुल गोल जैसे कहते हैं, ये लखाओं में जो जैसे लोग बताते थे पुराने उस्ताद भी, कि सर से पूंछ लगी भी होनी चाहिए और सीना बिल्कुल बाहर निकला हुआ, वो चीज़ है बिल्कुल माशाल्लाह, जो पुराने लखा थे। अब तो लखा बेकार हो गए हैं, बिल्कुल यूं होती है उनकी पूंछ, यूं उठी हुई, जो पूंछ यूं होनी चाहिए थी, अब वो लोगों ने यूं कर दिया बेकार। इसकी आप देखें, पीछे से पूरा घेरा है माशाल्लाह। ये इसका बाप है, ग्रे पूंछ वाली का। ये अभी उड़ के आया है, अब ये पानी पिएगा, फिर खाना खाएगा। थोड़ी देर और बैठना पड़ेगा मुझे, कि ये भाई साहब भी सुकून से खाना वाना खा ले।
अब ये जैसे जैसे अंदर जाएंगे मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि कैसे कैसे काबकों में बंद होते हैं। अब ये फीमेल जैसे अंदर जा रही है, इसे अंडों पे बैठना है। सो अब ये कैसे बंद होगी मैं वो भी दिखाता हूँ। अब ये जिन तीनों को बंद होना है ना, जिन तीनों को खाना मिला हुआ है, वो सब अपने आप यहाँ पे आ गए हैं। कबूतर का ये है, ओ सॉरी यहाँ पे तो बच्चा निकला हुआ है, मैं अंडा समझ रहा था। अब ये अपने आप ऊपर अपने उसमें जाएगी। मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं था बिल्कुल कि बच्चा निकला हुआ है, ये तो छोटा सा बच्चा निकला हुआ है यहाँ पे। चलो सॉरी, बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ। ओके सॉरी, अब इसको हम यहाँ बंद कर देंगे। मेल भी अभी आ जाएगा, ये ब्लैक वाले पेयर का अंडा है यहाँ पे, ये दूसरा सिल्वर वाले, नहीं सिल्वर नहीं सॉरी चॉकलेटी वाला जो उसका है, मैं उनको भी ला के बंद करता हूँ। इनको सिर्फ डंडी से इशारा दिखाना होता है कि किधर जाना है। पहले वो फीमेल पानी पी ले, फिर उसे भी बंद करता हूँ। चलो 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 शाबाश, चलो चलो चलो। ये पेयर है और एक वो पेयर, चलो इधर नहीं, गलत चली गई वो। ये पेयर अपने में जाएगा, उस फीमेल को मैं निकाल देता हूँ, तुम इस तरफ जाओ। ये ब्लैक एंड वाइट पेयर हो गया और ये ब्राउन वाला है। चलो 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 शाबाश, ये अपने पैर में चला गया। इसको बंद कर देंगे, इसकी इसका मेल बाहर रह गया, बस उसको भी बंद करते हैं, वो अपने आप जाएगा। चलो ये वाला है, चलो बेटा। अब जैसे ये भी चल